हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एससी एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एनिमल किंगडम में फाइलम सीरीज को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फाइलम पोरीफेरा से लेकर के एनेलिडा तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। मोलस्का, मोलस्का क्या है? आपका लेटिन भाषा के एक वर्ड मोलिसिस से मिलकर बना है, जिसका मीन्स क्या होता है? सॉफ्ट, यानी कि कोमल। तो आपके मोलस्का के जितने भी एनिमल हैं आपके, वो सॉफ्ट बॉडी के होते हैं। क्लियर? द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, यानी कि मोलस्का क्या है? आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, ठीक है, आफ्टर द ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बाद, यानी कि जो पहला आपका लार्जेस्ट फाइलम था वो ऑर्थोपोडा था। एंड द मोलस्का मेंबर्स आर नोन एज मोलेसियस, यानी कि मोलस्का के मेंबर्स को हम मोलेसियस या मोलस्कास भी कहते हैं, ठीक है। और जो आपकी मोलस्का की स्पीसीज हैं वो मोर देन आपकी 70,000 हैं, यानी कि 70,000 से भी ज़्यादा क्या है, स्पीसीज आपकी मोलस्का की मिलती हैं। अब देख लेते हैं हम इनके जनरल करेक्टर्स। दीज आर सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स। जस्ट अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि इनकी बॉडी क्या है, सॉफ्ट होती है। बॉडीज इज कवर्ड वाया कैलेरियस सेल्स, यानी कि इनकी बॉडी क्या है, एक कवर से कवर्ड होती है, ठीक है, जो आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यानी कि इनके जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर पाया जाता है, ठीक है। सेल में भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जो आपका कवर है वो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। मोलस्कास ऑक्यूपाई ऑल द पॉसिबल हैबिटेट्स एक्सेप्ट एरियल, यानी कि आपके जो मोलस्कास हैं वो आपके हर जगह पर रह सकते हैं, जैसे आपके एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, बट वो आपके हवा में नहीं उड़ते हैं, ठीक है। एक्वाटिक का आपके वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मैराइन वाटर में भी मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल आपके स्थलचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंस ऑर्गन। मोलास्कास है सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। आइज है आपका स्टेटोसिस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेल। सेल यानी कि कवर। द मेंटल यूजली सीक्रेट एन एक्सटर्नल स्लिमी सेल, इनमें एक मेंटल स्ट्रक्चर होती है जो क्या है, आपका सेल का निर्माण करती है। सेल में भी इंटरनल रेडियोज एंड ओवन अब्सेंट, इवन अब्सेंट ऑक्टोपस, बट जो आपकी सेल है वो ऑक्टोपस में नहीं पाई जाती है, बाकी के आपके जो एनिमल्स हैं उनमें ही मिलती है, जैसे आपका पाइला हुआ, स्नेल हुआ। नेक्स्ट है इसकी बॉडी सिमेट्री देख लेते हैं। द बॉडी सिमेट्री इज जनरली बाइलेटरल इन मोलस्कास, यानी कि मोलस्का की जो बॉडी सिमेट्री है वो आपकी बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है, यानी कि द्विपार सममिति। अगर हम किसी भी एनिमल को बीच से कट करेंगे तो वो हमें टू इक्वल पार्ट्स में मिलेगा, वो आपकी द्विपार सममिति होती है। देख लेते हैं बॉडी पार्ट्स। द बॉडी इज यूजुअली डिफरेंटेटेड इनटू थ्री रीजन्स, यानी कि इनकी जो बॉडी है उनमें थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला एंटेरियन हेड विद सेंस ऑर्गन, इनके पास हेड होता है, जिनके पास क्या है, सेंस ऑर्गन होते हैं, आइज और स्टेटोसिस। डोर्सल विसरल मास कंटेनिंग ऑर्गन सिस्टम, इनके पास डोर्सल विसरल मास होता है जो आपके ऑर्गन सिस्टम को कंटेन करता है। वेंट्रल फूट फॉर लोकोमोशन, इनके पास क्या है, वेंट्रल फूट होते हैं जो इनको गमन में हेल्प करते हैं, गमन लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बॉडी फॉर्म। द बॉडी हैज वैरायटी ऑफ शेप्स, यानी कि इनकी जो बॉडी है किसी भी वैरायटी की हो सकती है। एंड यूजुअली अनसेगमेंटेड, इनकी जो बॉडी होती है उसमें किसी भी प्रकार का सेगमेंटेशन नहीं होता, यानी कि इनकी जो बॉडी है वो अखंडित होती है, खंडित नहीं होती है,
एक आपका एनिमल है नियो पीलीना इज द ओनली सेगमेंटेड मोलेसियस। एक आपका जो एनिमल है नियो पीलीना, इसकी जो बॉडी होती है सिर्फ इसी की बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। अब ये नियोपिलीना क्या है, आपका मोनो प्लाकोफोरा का मेंबर है। मोनो प्लाकोफोरा आपकी एक ग्रुप है मोलस्का फाइलम का। नियोफिलीना क्या है, आपका एक बहुत ही प्रिमिटिव मेंबर है मोलस्का का। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी सर्मले है। दीज आर टिप्रोप्लास्टिक एनिमल। टिप्रोप्लास्टिक एनिमल हम पहले से करते आ रहे हैं, ये तो आपको क्लियर ही होगा। जिसमें आपकी तीन जनन स्तर होते हैं वही आपके क्या है, टिप्रोप्लास्टिक एनिमल होते हैं, जो आपकी कौन कौन सी है, एंडोर एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम। द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन इज टेनिडियम। इनके पास क्या है, एक्सक्रिएशन के लिए टेनिडियम ऑर्गन होता है एंड टू अनदर पार्ट्स ऑफ एक्सक्रिएशन, और दो अनदर पार्ट्स भी होते हैं एक्सक्रिएशन के लिए। एक है आपका ऑर्गम ऑफ बोजानस एंड एक है आपका कैवर्स ऑर्गन, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। इनके पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, और जो आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो आपकी हेपेटो पेनक्रियास कहलाती है, ठीक है। एनस एंड टू द मेंटल। एनस क्या है आपका, मेंटल के पास क्या है, खुलता है। रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन यूजुअली टेक प्लेस बाय गिल्स कॉल्ड द टेनिडिया लोकेटेड द मेंटल कैविटी। यानी कि इनका जो रेस्पायरेशन का जो पार्ट है वो गिल्स हैं और लंग्स हैं। लंग्स और गिल्स के थ्रू क्या है, रेस्पायरेशन करते हैं। गिल्स आपके एक्वाटिक एनिमल्स में होते हैं और लंग्स आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होते हैं। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम विद पेयर्ड गैंग्लिया कमर्शर्स कनेक्टिव। अब आपका ये जो गैंग्लिया है ये क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ नर्व पार्सव, यानी के जो आपकी नर्व पार्सव होती हैं उनका ये जाल होता है, जो फूला हुआ हिस्सा होता है उनमें, ठीक है। अब जो कमर्शियन है वो ऐसी नर्व होती हैं जो एक जैसे गैंग्लिया को जोड़ के रखती हैं, ठीक है। और जो आपकी कनेक्टिव होती है वो ऐसी नर्व होती है जो असमान गैंग्लिया को जोड़ती है। अब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोस्टली ओपन। ओपन टाइप इसमें क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इट इंक्लूड डोर्सल पार्स्टल हार्ट। ब्लड ऑफ्टन हैज अ कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोसाइनिन। डोर्सल डिजोल्व इन प्लाज्मा। इनके पास क्या है, हीमोसिन नामक एक पिगमेंट होता है, श्वसन वर्णक होता है, जिस वजह से इनका जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। और इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। बट एक आपका सेफेलोपोडस जिनके पास क्या है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सेफेलोपोडस भी क्या है, ग्रुप है आपका फाइलम मोलस्क। और सेफेलोपोडस के पास जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम। मोस्टली डायोसिस, यानी कि ये आपके ए मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, डायोसिस होते हैं। बट सम क्या है आपके मोनोसियस होते हैं, कुछ क्या है आपके मोनोसियस भी होते हैं, जैसे आपकी डोरिस और एपिलाइसिया, ठीक है। इनमें क्या है, मोनोसियस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। मोस्टली क्या है आपके ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, और इनमें क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अप्रत्यक्ष प्रवर्धन। अब कुछ यूनिक फीचर्स हैं, थ्री बॉडीज रीजंस हेड विसरल मास एंड फुट मसल्स फुट, ठीक है। ग्लैंडुलर फोल्ड द मेंटल ओवर द बॉडी, ठीक है। कैलेरियस सेल्स अराउंड
द इन मोस्ट केसेस, ठीक है, क्लियर कर दिए हैं सारे ऑप्शंस। एग्जाम्पल्स हैं इनके आपके, एक पाइलिया है आपका जिसको हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, एक है आपका ऑक्टोपस जिसको हम डेविल फिश भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ऑक्टोपस है, ये आपका पाइलिया है। आज के सेशन में बस इतना ही, अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।